लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आलाकमान के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर और दूसरी नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी के नेताओं के साथ विभाजनकारी रवैया। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपने सत्र पर की जा रही रैलियों पर पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कोई भी कमजोर नहीं है। कई बार हम जिसे कमजोर समझते हैं वह ऐसा इंजेक्शन लगा देता है कि उसका इलाज ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वरिंग ने यह चेतावनी तब दी जब नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पिछले 3 दिनों से पार्टी का काम देखने के लिए पंजाब में और 2 दिनों से पार्टी नेता सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजा वरिंग ने कहा कि सिद्धू कभी 75-25 की बात करते हैं तो कभी 80-20 की। वह समय भी आएगा जब वह 90-10 सत्ता और विपक्ष की हिस्सेदारी की बात करेंगे। राजा वरिंग ने कहा कि किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी अध्यक्ष होता है, कार्यक्रम उसके मुताबिक होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चल रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं किसी से महफूज नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो ऊंचे तो हैं लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है, ये बहुत जल्द घबरा जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि अगर वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उन लोगों के साथ लेकर मंच पर लाना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पार्टी के खिलाफ ईशानिंदा करने पर उन्हें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो निकट भविष्य में 100% कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आलाकमान के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर और दूसरी नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी के नेताओं के साथ विभाजनकारी रवैया। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपने सत्र पर की जा रही रैलियों पर पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कोई भी कमजोर नहीं है। कई बार हम जिसे कमजोर समझते हैं वह ऐसा इंजेक्शन लगा देता है कि उसका इलाज ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वरिंग ने यह चेतावनी तब दी जब नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पिछले 3 दिनों से पार्टी का काम देखने के लिए पंजाब में और 2 दिनों से पार्टी नेता सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजा वरिंग ने कहा कि सिद्धू कभी 75-25 की बात करते हैं तो कभी 80-20 की। वह समय भी आएगा जब वह 90-10 सत्ता और विपक्ष की हिस्सेदारी की बात करेंगे। राजा वरिंग ने कहा कि किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी अध्यक्ष होता है, कार्यक्रम उसके मुताबिक होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चल रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं किसी से महफूज नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो ऊंचे तो हैं लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है, ये बहुत जल्द घबरा जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि अगर वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उन लोगों के साथ लेकर मंच पर लाना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पार्टी के खिलाफ ईशानिंदा करने पर उन्हें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो निकट भविष्य में 100% कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज के साथ। धन्यवाद।